बाकी जब ये खोला करो ना गेट इसका, जोर से खोला करो और जोर से प्रेस किया करो, आराम से नहीं करना इसको कभी भी। इसके लॉक भी पुराने हो चुके हैं, उनकी वैसे भी कई बार दिक्कत आ सकती है वैसे मेरे हिसाब से, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को इसमें। हाँ मतलब प्रॉब्लम था, वो दिख भी नहीं रहा उसकी वजह से, फॉग हो गया। नहीं नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना टाइम पूरा कर देगा, कट मार जाएगा, खत्म हो जाएगा काम उसका। दस मिनट तो बहुत हो जाते हैं माइक्रोवेव में। नहीं मैं कह रहा हूँ 10 बहुत हो जाते हैं, 10 से ही पता लग जाता है हमारे को, 10 तो बहुत दूर की बात है। यहाँ ऐसा अगर रेस की प्रॉब्लम होती है मैग्नेट्रॉन वगैरह में, नॉर्मल में कई बार क्या होता है, ये ट्रिप हुआ है, नहीं ये बंद हुआ है, गर्म हुआ है, ये हीट हुआ है, इस वजह से बंद हुआ है आपका अभी ये 7:14 पे। माइक्रोवेव चालू है ये देखो, ये अभी बंद ट्रिप मार गया, कह रहा है गर्म है अंदर से, वो उसका जो हीटर लगा ऑटो कट ऑफ हुआ है अंदर से कि गर्म हो गया। रिकॉर्ड करो ना फिर बाद में, फिर नहीं आएगा वो, चला स्टार्ट करो इस बार वो अपने आप फिर। अब हम इसका क्या करें, अब इसमें हम अब थोड़ी ना होएगा, ये यहाँ पे कट का निशान आ गया, इतना गर्म करोगे तो कट ऑफ हो जाता है ना वो। देखो आप एक बार निकाल के कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये तो गर्म थोड़ी होगा आलू, देखो ना आलू आपने पूरे उसमें पानी भी नहीं डाला। फिर पकेंगे कैसे वो, पानी नहीं डालोगे तो पूरा पानी नहीं डलता आलू में, लो आपको पूरा लगना है तो पूरा डालो, पर वैसे डलता नहीं है आलू में पूरा पानी, क्योंकि इसके ऊपर थर्मास्टेट होता है, जब ये गर्म हो जाएगा तो कट ऑफ मारेगा ही मारेगा ये। ये ठीक है आपके? हाँ आप रख के देखो इसको, आपको लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं? नहीं नहीं मैं भी तो गलत नहीं हूँ, ये भी देखो ना आप, हाथ दिया आपके सामने, अभी आपके सामने तो वो रुक गया, वो तो रुकेगा, आप चलाओगे गर्म होएगा तो रुकेगा, मैग्नेट्रॉन के ऊपर हीटर लगा, वो लगा होता है कट ऑफ, मैं हटा दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जल जाएगा कल को। पहले तो नहीं आ रही थी ना ये, किसी भी माइक्रोवेव में होगा ऑटोमेटिक कट ऑफ होता है इनके अंदर। प्रॉब्लम पहले नहीं आ रही थी, अभी क्या चेंज हुआ है? 2 महीने पहले तक तो ये प्रॉब्लम नहीं थी ना, वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या डिफरेंस हुआ है कि अभी एकदम से ये ज़्यादा हीट होने लग गया। देखो जी हम आलू नहीं उबालते, हमारे को इतना नहीं पता होता, हमारे को अपने मीटर के हिसाब से पता लग जाता है, अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है वैसा तो ये अभी इतनी देर में मुझे बताया था, ये 1 मिनट में बताया था मेरे को, इतना टाइम नहीं लगता इसके अंदर। ये जो यहाँ निशान आता है ये कट ऑफ का होता है कि मतलब कि ओवर हीट हो चुका है। सॉल्व कैसे करोगे, हीटर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो करोगे ही करोगे, उसमें क्या होगा अभी देखते हैं एक बारी। कट ऑफ हटा देंगे अंदर से और क्या होगा, सॉल्व हो गया। कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होगी तो अपना सेफ्टी तो करेगी ना बेचारी वो। देखो मैं उस चीज़ में कुछ नहीं, वो तो कट ऑफ है, कट ऑफ हो जाता है अंदर से, आप देखते रहो अभी। अभी कट ऑफ नहीं हुआ? हुआ हुआ ना, आलू तो पानी ऊपर तक भरती, नहीं बंद नहीं हुआ है माइक्रोवेव आपका, कट ऑफ हुआ है वो जब गर्म हो जाता है ना, गर्म होके तो कट ऑफ करेगा ही ज्यादा, ओवर हीट हो जाएगा। 90 सेकंड पे ही कट ऑफ हो गया था, 26 सेकंड पे, जितने भी अब कट ऑफ हुआ इतने पे गर्म कट ऑफ होगा ही होगा, ये कोई भी कंपनी का माइक्रोवेव ले आओ इतना गर्म होने के बाद मैग्नेट्रॉन कट ऑफ करेगा। नहीं इतने सालों से कमाल करते हो, 35 सेकंड का केक नहीं बनाते 35 मिनट का। ये देखो ये निशान दिख रहा है, ये मैग्नेट्रॉन का निशान है आपका। सर ये पहले नहीं था ना, पहले कैसे होगा बताओ, हम तो 35 मिनट का